हटानी है? नहीं हटा सर। पंचायत और जैसे कि आप देख रहे हो इधर देखो, इधर इधर मंदिर है सर, ये अच्छा ये वाला जो मंदिर यहाँ पर काम चल रहा है अभी जी जी, और यहाँ बराबर में स्कूल भी है जी, और आप देख रहे हो देखो किस प्रकार यहाँ पर गंदगी हम दिखाते हैं। यहाँ पर देखे गंदगी का कितना बेशुमार ढेर लगा हुआ है, यहाँ पर हजारों बीमारियां हो सकती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से, उत्तर प्रदेश और समस्त भारत की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। बहुजन इंडिया 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं क्राइम रिपोर्टर राजीव नानू, मेरे साथ कैमरामैन अभिषेक शर्मा जी। आज हम जनपद मेरठ के थाना सरदना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ईकड़ी में आए हुए कवरेज करने के लिए यहाँ पर जाने के मामला क्या है। यहाँ पर हमारे यहाँ साथी युवा साथी बहुत सारे इकट्ठा हो रहे हैं, इनसे पूछेंगे क्या मामला है यहाँ पर। सर सबसे पहले आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम गौरव है, मैं गांव ईकड़ी का रहने वाला हूँ। मतलब जो आप लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं, क्या मामला चल रहा है यहाँ पर? सर ये जो आप देख रहे हो हमारे पीछे, ये हमारी पंचायती जमीन है, वहाँ तक देखो जी, ये जो मतलब जो दिखाई दे रही है, हाँ देखो जहाँ तक आरसीसी पड़ी हुई है। अच्छा, और इस पे जो नसरुद्दीन सनोब सुक्का ने कब्जा कर रखा है पंचायती जमीन पे। मतलब इसके लिए आपने जैसे कब्जा हटवाने के लिए एसडीएम साहब या जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया है? सर हाँ, हमने जो है जिला अधिकारी को और जो है एसडीएम साहब को हमने सरदना उसका वो दिया, हमने मतलब ज्ञापन दिया। उन्होंने ज्ञापन दिया, उन्होंने कुछ कार्रवाई हुई है नहीं? उस पर कार्रवाई हुई सर, उन्होंने बोला कि मतलब उस दिन सर भी आए थे, क्या नाम था उनका, दरोगा जी, मैं तो नाम भी भूल गया उनका। चलो कोई बात नहीं, चलो जो भी था एक दरोगा जी आए थे, उन्होंने जो है यहाँ बैठ के यहाँ पे मीटिंग हुई थी, तो मीटिंग में नसरुद्दीन ने स्वयं अपने आप ही ये कहा कि स्वीकार कर लिया कि ये पंचायत जमीन है जी जी। और मैं अपने पैसों का बंदोबस्त करके मैं इसे 2 महीने में अपने आप हटा लूंगा, मतलब खाली कर दूंगा यार, खाली कर दूंगा। मामले को कितने दिन हो गए? इस महीने को हो गए 4-5 महीने, मतलब 4-5 महीने हो गए। और उन्होंने टाइम के कितने महीने का दिया था? 2 मंथ का टाइम दिया था, यानी कि 3 महीने ऊपर हो चुके हैं। हाँ जी, अभी तक जो अवैध जो कब्जा है वो हटानी है? नहीं हटा सर। पंचायत और जैसे कि आप देख रहे हो इधर देखो, इधर इधर मंदिर है, नहीं हटा सर। पंचायत और जैसे कि आप देख रहे हो इधर देखो, इधर इधर मंदिर है सर, ये अच्छा ये वाला जो मंदिर यहाँ पर काम चल रहा है अभी जी जी, और यहाँ बराबर में स्कूल भी है जी, और आप देख रहे हो देखो किस प्रकार यहाँ पर गंदगी हम दिखाते हैं। यहाँ पर देखे गंदगी का कितना बेशुमार ढेर लगा हुआ है, यहाँ पर हजारों बीमारियाँ हो सकती है। और मतलब कहने का जो स्कूल भी है यहाँ पर, एक मंदिर भी है यहाँ पर, स्कूल है मंदिर है जो है, यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। ये कब्जा जो है यहाँ पर इन्होंने, इनका कहना कि यहाँ पर जो है एसडीएम साहब को, पुलिस को, जिलाधिकारी को सब जगह ज्ञापन दे रखा और कार्रवाई नहीं हो रही है। और अगर सर हम जैसे कि हम इनसे वार्तालाप करते हैं तो हम मारने की धमकी देते हैं ये, और देखो आप अभी 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 देखो अभी अभी देखो आप जो है कैसे बोल रही है ये, और हमारी जो लेडीज मतलब बोलते हैं कि ये लेडीज है कि जो है मतलब हम सरदना थाने में रिपोर्ट कर आए कि कपड़े फाड़ के तुम्हें बलात्कार के केस में अंदर करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, लेकिन हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल पंचायती जमीन अपनी जो है, आपका मेन मुद्दा जो है पंचायती जमीन है वो खाली हो जानी चाहिए। जी जी सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। मैं क्राइम रिपोर्टर राजीव नानू, बहुजन इंडिया 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो के साथ बने रहे। बहुजन इंडिया 24 न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम।